हेलो दोस्तों, कंप्यूटर सीखे के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर मास्टर कोर्स के अंदर पार्ट नंबर 96 के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पार्ट नंबर 96 में क्या है, चलिए देखते हैं। तो पार्ट नंबर 96 के अंदर आज हम जानेंगे हाउ टू ओपन बूट मेन्यू सेटिंग्स इन अवर पीसी। हम अपने कंप्यूटर के अंदर जो बूट मेन्यू सेटिंग होती है उसको कैसे ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं इसको कट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर को बंद कर देना है, शट डाउन कर देना है। तो शट डाउन कर देना है, मैं शट डाउन कर देता हूँ, यहाँ से इसको कट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब इसके बाद में अपने कंप्यूटर को यहाँ पर हम शट डाउन कर देते हैं। तो जब कंप्यूटर प्रॉपरली शट डाउन हो जाएगा, उसके बाद आपको उसको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, और स्टार्ट करते टाइम ही आपको बूट मेन्यू को ओपन करना रहता है। तो बूट मेन्यू को हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्यों ओपन करते हैं? तो जब भी हमारे कंप्यूटर में विंडो डिलीट हो जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम चला जाता है, या विंडो डीएक्टिवेट हो जाती है, तो उस टाइम पर बूट मेन्यू को ओपन करके हम उसमें नई विंडो को डाउनलोड करते हैं, नई विंडो को इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो हमारा लैपटॉप है प्रॉपरली शट डाउन हो चुका है। चलिए अब मैं पावर बटन दबाता हूँ, और पावर बटन दबा करके मैं इसको फिर से स्टार्ट कर लेता हूँ। अब आपको फटाक से यहाँ पर क्या करना है, आपको एक बार इंटर बटन दबाना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको एस्केप बटन दबाना है। एस्केप बटन दबाएंगे, यहाँ पर आपको इस तरीके से स्टार्टअप मेन्यू देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि F9 बटन दबाएंगे तो आपका बूट मेन्यू, तो यहाँ पर आपकी बूट डिवाइस के जो ऑप्शंस हैं वो आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं F9 बटन को प्रेस कर देता हूँ। जैसे आप F9 प्रेस करोगे, यहाँ पर आप देखोगे आपका जो बूट मैनेजर है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप अपने कंप्यूटर में नई विंडो को डाउनलोड कर सकते हो। तो नई विंडो को डाउनलोड करना है, अगर आप CD या DVD लगा करके डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको नीचे वाली बटन दबाना है, ऊपर नीचे कर सकते हैं ऐसे, और इंटर बटन दबा करके उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और कभी कभार गलती से आपका ये बूट मेन्यू ओपन हो जाता है आपके कंप्यूटर में, तो आपको लगता है आपका कंप्यूटर खराब हो गया, बिगड़ गया है। तो ऐसे में बिगड़ता नहीं, आपको सिंपल से यहाँ पर इसको क्लोज कर देना होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एस्केप टू एग्जिट, यानी कि बाहर निकलने के लिए आप एस्केप बटन दबाइए। आपके कीबोर्ड की जो पहली बटन होती है, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रही पहली बटन, एस्केप बटन। तो आपको इसी बटन को प्रेस कर देना है। तो जैसे आप इस बटन को दबाओगे, उधर आप देखोगे आपका जो विंडो है वो कट जाएगा, और नॉर्मली आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो इस तरीके से हमारा जो कंप्यूटर है वो फिर से स्टार्ट होना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से आपका कंप्यूटर फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, बूट मेन्यू का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हमें अपने कंप्यूटर में नई विंडो डाउनलोड करनी होती है, या फिर अपने कंप्यूटर को रीसेट करना होता है, या फिर अपने कंप्यूटर को सेफ मोड में चालू करना होता है, उस टाइम पे हम इसको यूज करते हैं। तो आई होप दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारा जो कंप्यूटर है वो प्रॉपरली चालू हो चुका है, प्रॉपरली ओपन हो चुका है। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम बूट मेन्यू का इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरीके से और सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर से जुड़ जाइएगा, चैनल पर जरूर से विजिट कीजिएगा। और चैनल पर जुड़ने से साथ साथ आप इस कंप्यूटर मास्टर कोर्स को जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। इस कोर्स में मैंने एक नहीं दो नहीं, आपके लिए पूरे पूरे 100 टॉपिक पर अलग अलग वीडियो बनाया है, जहां पर मैंने आपको हर एक चीज को करना बताया है। अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो ऐसे में ये आपके बहुत काम आएगा, आप इसको जरूर से करना सीखिएगा। चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।